नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं कैर काजू दाग की सब्जी। सब लोग कैर के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, पर सारे राजस्थानी जो लोग हैं वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, मैं ये सब्जी जो है खास ओकेजन्स पे बनाई जाती है, शादियों में बनाई जाती है। जो कैर हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ ये कैर कहाँ मिलेंगे और ये सब्जी किस तरह से बनाई जाती है। तो देखिए, ये कैर इस तरह से दिखाई देते हैं। सूखे कैर के नाम से आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आसानी से मिल जाएंगे, या राजस्थान में तो किसी भी ग्रोसरी शॉप पे या किसी बड़ी किराने की दुकान पे आराम से मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम कैर लिए हैं, सूखे कैर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से, और ये राख में सुखाए जाते हैं। जो कैर है इनको सुखाने का प्रोसेस राख में होता है, तो इनको मेन प्रोसेस होता है इनको अच्छे से वॉश करना। तो हम इनको बहुत अच्छे से बार बार पानी डाल के 5-6 बार बहुत अच्छे से वॉश करेंगे, और उसके बाद में हम इसको 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट सोक करके रखेंगे। और उसके बाद में भी इसको 3-4 बार हमको साफ पानी से धोना है, और इनके जो राख है अच्छे से निकल जाए। बहुत ही टेस्टी जो है ये सब्जी बनकर तैयार होती है, साथ ही इसमें हल्का सा स्मोकी फ्लेवर रहता है। तो आप जब बनाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही टेस्टी और यूनिक सब्जी बन के तैयार होगी। तो सबसे पहला हमारा जो काम है इसको बहुत अच्छे से वॉश करना। तो देखिए हम इस तरह से 3-4 बार अच्छे से इसको धोएंगे, और उसके बाद में हम इसको करीब 8 घंटे के लिए जो है इसको भिगो कर रख देंगे। और उसके बाद में भी हम इसको 3-4 बार अच्छे से धोएंगे, ताकि जो इसके ऊपर जो राख और मिट्टी लगी हुई है ये अच्छे से निकल जाए। तो चलिए देखिए, मैंने इनको 8 घंटे के लिए भिगो दिया है। ये देखिए 8 घंटे भिगोने के बाद में मैंने इसको अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है। आप देख सकते हैं जो कैर हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और आपको अब हरे रंग के कैर नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से जो फूल भी चुके हैं। तो हमारे जो कैर हैं ये सब्जी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हम इसका पानी निकाल देंगे, और साथ ही मैंने गुनगुने पानी के अंदर 1/4 कप काजू और 1/4 कप किशमिश, काजू को मैंने आधा आधा कर लिया था देखिए इस तरह से, और ये भिगो दिए थे। आप जो है काजू किशमिश की क्वांटिटी थोड़ी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी हरी मिर्च को जो है आप देखिए इस तरह से थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। मैंने इसको जो है ना तो काटा है ना इसका पेस्ट बनाया, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको कूट लिया है। इसका फ्लेवर जो है सब्जी में बहुत अच्छा आता है। तो देखिए जो है हरी मिर्च का पेस्ट हम है इस तरह से बनाएंगे, और ये हमारा हरी मिर्च का पेस्ट अब तैयार है। तो यहाँ पे मैं अब एक जो है आधी कटोरी पानी में 1 चम्मच लाल मिर्च ले रही हूँ, साथ ही मैंने ली है 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर। ये तीनों मसाले जो है हम पानी में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हम घी में इनको अगर डायरेक्ट डालेंगे तो जो हमारे मसाले हैं ये जलने का डर रहता है। जो नमक है अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि हम थोड़ी सी दही की ग्रेवी बनाएंगे, अगर नमक पहले डाल देंगे तो दही फट सकता है। तो चलिए, एक पैन में मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच घी, घी गर्म होने के बाद में हम इसमें डालेंगे जीरा। यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच जीरा डाला है। तो जैसे ही जीरा तड़कने लगेगा तो हम डालेंगे इसमें 1 इंच अदरक का पेस्ट। मैंने यहाँ पे अदरक का पेस्ट लिया है, आप चाहें तो अदरक को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डालेंगे जो हमने हरी मिर्च को कूट के पेस्ट बनाया था वो, तो वो भी हम इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे, और अदरक को और मिर्ची को हम इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमको, करीब आधा मिनट तक ही इसको फ्राई करना है। तो देखिए जो अदरक और हरी मिर्च हैं ये अच्छे से घी में फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाले पानी में डाल के रखे थे, तो वो मसाले वाला पानी, तो हमने इसमें मसाले वाला पानी डाल दिया है। अगर हम डायरेक्ट गर्म घी में मसाले डालेंगे तो हमारे मसाले जो हैं जल सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा पानी में मसाले डाल के सब्जी में डालती हूँ, ताकि मसाले जले नहीं। अब हम मीडियम हाई फ्लेम पे जो गैस को कर देंगे, और उसके बाद में हमारे जो मसाले हैं इसको अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला है ये बहुत अच्छे से भुनने लग गया है, और इस तरह से हमारा मसाला जो है भुन के तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप फ्रेश दही। यहाँ पे मैंने घर का जमा हुआ दही लिया है, आप बाजार का भी दही ले सकते हैं, पर इसमें खट्टा दही ना डालें।
तो एकदम ताज़ा दही इसमें डाला है। गैस को हमने मीडियम हाई पे ही रखा है और हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि दही में जाली नहीं पड़ जाती है और जो दही है घी नहीं छोड़ देता है। तो आप देख सकते हैं दही में जाली पड़ने लग गई है और इसने ग्रेवी ने घी भी छोड़ दिया है। तो हमारा दही जो है ये तैयार है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप मलाई। ये मैंने घर की मलाई ली है, जो हमारे दूध पे मलाई आती है वो थोड़ी सी खट्टी कर ली थी तो वो मलाई डाली है। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो दही और मलाई डालने के बाद में हम इनको बहुत अच्छे से हिलाएंगे और जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो पूरा घी अलग हो जाएगा, तो हमारी ग्रेवी उस समय बिल्कुल रेडी होगी। तो देखिए अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और आधा चम्मच चीनी। ये जो नमक और चीनी डालने के बाद में हम बहुत अच्छे से इनको हिला लेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे किशमिश। हमने किशमिश का पानी निकाल दिया है। किशमिश को राजस्थान में दाख भी कहा जाता है। तो हमने इसमें डाली है किशमिश और अब किशमिश डालने के बाद में एक बार इसको अच्छे से हिला लेते हैं और काजू का भी हम पानी निकाल कर इसमें डाल देंगे। काजू और किशमिश हमने गुनगुने पानी में भिगो दिए थे इसलिए बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इनको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम इसमें डालेंगे केयर। केयर का हमने पूरा पानी निकाल दिया है, बिल्कुल साफ अच्छे से तैयार है हमारे केयर। केयर डालने के बाद में हम एक बार इनको अच्छे से हिलाएंगे। बहुत अच्छे से हिलाने के बाद में हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कवर कर दिया है और अब हम 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हम सब्जी को देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हमारी सब्जी करीब करीब बनकर तैयार है, पर इसकी जो ग्रेवी है ये थोड़ी थिक हो चुकी है। हमने इसमें अभी तक बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और गैस को सिम करके 10 मिनट के लिए फिर से हम सब्जी को पकाएंगे। तो हम 10 मिनट के लिए फिर से इसको ढककर रख देते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम खोलकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दिखने वाली और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से। तो बहुत ही यूनिक और टेस्टी सब्जी हमारी तैयार है। तो आप इस सब्जी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी ये सब्जी। राजस्थान की बहुत ही स्पेशल सब्जी है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।